प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका शहर शहर खबर खबर में। तो निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा अब संगठन में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। जहां बीजेपी जिला और महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है, बताया जा रहा है कि बीजेपी दो कार्यकाल पूरा कर चुके जिला और महानगर अध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मंथन शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा मंडल और बूथ कमेटियों में भी कुछ बदलाव संभव है। साथ ही इन बदलावों को केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बाद अगले महीने अंतिम रूप दिया जाएगा और बदलाव की सूची 30 जून के बाद आने की उम्मीद है। तो आपको बता दें, बीजेपी में जिला महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी बड़े फेरबदल करने की तैयारी में है। जिला महानगर अध्यक्षों को बदलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से कई जिलों में संगठनात्मक बदलाव संभव है। बीजेपी में जिला महानगर अध्यक्ष को लेकर आपको बता दें, फेरबदल किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी में जिला महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी की जा रही है। वही इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है कि जो मिशन 2024 है उसमें क्या कुछ फायदा मिल सकता है इससे बीजेपी को, और बीजेपी मिशन 24 को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जिसको लेकर वो अपने पार्टी में कई फेर बदल करती हुई नजर आ रही है। वहीं अब जिला और महानगर अध्यक्षों को बदलने की भी बीजेपी ने तैयारी कर ली है। साथ ही इसको और भी चीजें हैं जिसको लेकर अब फेर बदल कर सकती है बीजेपी। आपको बता दें, वहीं पार्टी में मिशन 2024 को लेकर बड़े बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां बीजेपी जिला और महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी माना जा रहा है कि अपनी पार्टी में और भी कई बड़े बदलाव कर सकती है। बीजेपी दो कार्यकाल पूरा कर चुके जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बदल रही है। आपको बता दें, इसको लेकर मंथन शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा मंडल और बूथ कमेटियों में भी कुछ बदलाव संभव है। साथ ही इन बदलावों को केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बाद अगले महीने अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आपको बता दें, अंतिम अगले साल तक इस जो जो बदलाव है इन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है। आपको बता दें, अगले साल तक जो जिला और महानगर अध्यक्ष है उन्हें बदला जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। आपको बता दें, और बदलाव की सूची 30 जून के बाद आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 30 जून को जो सूची आएगी उसमें कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, जिला और महानगर अध्यक्ष को बदलने के साथ ही बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो देखने को मिल सकते हैं बीजेपी पार्टी में। आपको बता दें, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, बीजेपी इस समय अपनी पार्टी में बड़े फेरबदल करती हुई नजर आ रही है, और क्या कुछ बदलाव कर सकती है बीजेपी? ईशा, अगर बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ बात की जाए तो बूथ कमेटी अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, इनके नए सिरे से पार्टी को एक नया चेहरा देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बदलाव किए जा सकते हैं। आपको बताया कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम भेज दिए गए हैं, और आने वाले 30 जून तक माना जा रहा है कि नए नामों का ऐलान हो जाएगा। आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बीजेपी के जो तमाम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, हर एक मंडलों के मंडल अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तमाम इन पदों पर नए सिरे से गठन करने की तैयारी है। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव के बाद माना जा रहा था कि संगठन में एक लंबा फेरबदल हो सकता है, और अगर बात करें तो सूबे के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के आने के बाद लगातार संगठन में फेरबदल देखने को मिल रहा है। ये एक समय सीमा होती है, और समय सीमा पूरी हो चुकी है। जिन जिलाध्यक्षों को जिम्मा दिया गया था उनके समय सीमा पूरा हो गए हैं, और इस आधार पर अब नए जिलाध्यक्ष को जिम्मा देने की तैयारी है। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी से नामों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, और केंद्र की आखिरी मुहर के बाद
जो तमाम पदाधिकारी होंगे जिनको महानगर अध्यक्ष और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का जिम्मा दिया जाएगा और इसकी मुहर कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां से आखिरी मुहर लगेगा जिसके बाद नामों का ऐलान होगा। जी तो जो खाली पद है विभांशु बीजेपी में, क्या उन्हें भी भरने की कहीं ना कहीं अब अटकलें लगाई जा रही है? जी बिल्कुल ईशा, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन के अंदर में तमाम रिक्त पद हैं उसके तमाम रिक्त पदों में नए सिरे से गठन को लेकर पुरजोर तरह से लोगों की समीक्षा की जा रही है, जिलावार तरीके से सूची ली जा रही है और आपको बता दें कि जिलावार सूची मंडल स्तर पर जा रही है, मंडल स्तर के बाद वो राज्य स्तर पर आएगी और राज्य स्तर से आने के बाद वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मेन मुख्यालय यानी कि बीजेपी के जो मेन मुख्यालय है दिल्ली में वहां पहुंचेगा और वहां पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी नामों पे। अगर बात की जाए तो तमाम मंडलों के मंडल अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो गया है, जिला अध्यक्षों के अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में नए सिरे से तमाम जो रिक्त पद है उस पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक परंपरा है कि एक पद पर महज एक ही आदमी बैठेगा, यानी कि जो भी संगठन के अंदर में काम करेगा जो जो दायित्व उसे दिया जाएगा उसके साथ अतिरिक्त दायित्व नहीं दिया जाएगा। तो इसको विशेष करके जो अगर देखा जाए तो सरकार के अंदर में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 2.0 का एक साल पूरा हो गया है और ऐसे कई सारे पद हैं जो अभी भी रिक्त हैं और माना जा रहा है कि जो जिन तमाम पदों से उठाकर सरकार में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कैबिनेट में लिया गया, कुछ लोग को राज्य मंत्री बनाया गया तो कुछ लोग को नए पद दिए गए, तो जो भी पद रिक्त है उस पर नए सिरे से गठन किया जाएगा। ईसा जी विभांशु, जैसे कि आपने कहा कि इन खाली पदों में नए चेहरों को भी जो है मौका दिया जा सकता है, तो क्या जो ये नए चेहरे आएंगे ये मिशन 2024 को लेकर कहीं ना कहीं कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि खासकर महिला ओबीसी और युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए पूरे जो नए सिरे से गठन किया जाएगा उसमें साफ तौर से ओबीसी एससी वर्ग के और महिलाओं को और युवाओं को मेन तवज्जो दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो रिक्त पद है उस पर किन नए चेहरों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है वो आने वाला समय बताएगा, मगर निश्चित तौर से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से तमाम अभियानों की चल रहे हैं, साथ ही साथ मिशन 80 के तहत अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं विपक्षी दल अभी कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जो कि एक हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है उसको कैसे टक्कर विपक्षी दल देते हैं, क्योंकि बात करें तो बीजेपी जहां एक तरफ अपने अभियान चला रही है साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए हर एक प्रयास कर रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में तो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम रिक्त पद हैं उन पर नए सिरे से जो गठन का सिलसिला होगा उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तवज्जो की बात कही जा रही है उसमें महिलाओं को कितना हिस्सा मिलता है, ओबीसी एससी समाज को कितना मिलता है और कितने युवा चेहरों को मौका मिलता है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बीजेपी के युवा बीजेपी के कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी एक लंबे अरसे से खाली है, अगर पूर्व में देखें तो प्रद्युम्न द्विवेदी के हाथों में कहीं ना कहीं ये जिम्मा था और वो विधान परिषद के अब सदस्य बन गए हैं और ये पद एक लंबे अरसे से खाली है, तो माना जा रहा है कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो है तो विभांशु ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फायदा मिलता है मिशन 2024 में इस खाली पदों की भर्ती के बाद बीजेपी को। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विभांशु। तो आपको बता दें बीजेपी ने जिलों के संगठन में बदलाव करने की तैयारी कर ली है, जिला महानगर अध्यक्षों को बदलने की अब तैयारी कर रही है बीजेपी। आपको बता दें कई जिलों में संगठनात्मक बदलाव संभव है।
वहीं वायुसेना के MiG-21 विमानों के लगातार हादसाग्रस्त होने के बाद पूरे बड़े विमानों की उड़ान पर अभी रोक लगा दी गई है। हालांकि ये रोक स्थायी तौर पर नहीं है। बताया जा रहा है कि हाल ही में 8 मई को राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान रूटीन शॉट के दौरान रिहायशी इलाकों में क्रैश हुआ और इस हादसे में 3 महिलाओं की जान भी चली गई। साथ ही दोनों पायलट खुद को इजेक्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें भी चोट आई थी। फिलहाल इस घटना के बाद अब वायुसेना में MiG-21 विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी गई है और वायुसेना ने कहा है कि हनुमानगढ़ में हुए हादसे की वजहों का पता लगने तक मिग विमान उड़ान नहीं भरेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, MiG-21 पर रोक लगा दी है, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? तो वायुसेना की बड़ा फैसला लेते हुए भारत के एक लड़ाकू विमान MiG-21 को बेड़े को पूरी तरह से उड़ान पर रोक लगा दी गई है। हाल के दिनों में जब बात की जाए तो MiG-21 लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जगुआर के बाद अब MiG-21 को भी कहीं ना कहीं श्रेणी में रखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पुरानी पद्धति का वायु विमान है इसके। और साथ ही साथ हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे हादसाग्रस्त होने की खबरें आई, जिसके बाद पूरे बेड़े को कहीं ना कहीं उड़ान पर रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि ये अस्थायी तौर पर नहीं लगाई गई है और हाल फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। देखने वाली बात ये होगी कि MiG-21 में क्या कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर से एक बार वायुसेना क्या उसे अपने बेड़े में लेगी, वो आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि राजस्थान के अंदर में मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई थी और कहीं ना कहीं इसके बाद से MiG-21 पर सवालों से घेरे खड़े हो रहे थे। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे घटनाओं को कहीं ना कहीं MiG-21 हवा के अंदर में घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है। अगर बात की जाए तो 8 मई को दुर्घटना की जांच की पूरी रिपोर्ट आई, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि 1963 में MiG-21 वायुसेना का हिस्सा बना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको कहीं ना कहीं भारत में इम्पोर्ट कराया गया था और अगर देखें तो भारत में लगभग 700 से अधिक विमान मिग के खरीदे गए थे। अब कहीं ना कहीं अब देखें इस विमान के रोक के बाद तमाम जो स्क्वाड्रन है उनको भी उड़ान भरने के लिए रोका जाएगा। जी, लगातार MiG-21 से हादसे के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ वजह है? जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1963 से लगातार ये विमान वायुसेना की शोभा बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं कई बार अगर देखे तो देश के दुश्मनों के दांत खट्टे भी कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो देश के अंदर में अभी तक 400 मिग आए थे, जिसमें से 21 अभी तक विमान हादसे का शिकार हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया है। और आपको बता दें कि 2025 तक अगर माना जा रहा है कि कई ऐसे नए विमान और युद्धपोत के कई ऐसे वस्तुओं को लड़ाकू विमानों को वायुसेना खरीदेगा, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में साफ करेगा वायुसेना और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 लोग इस बार हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से लखनऊ के करीब 13,000 हज यात्री शामिल है। इसके अलावा दिल्ली से लगभग 12,000 लोग हज करने जाएंगे। तो वही बताया जा रहा है कि पहली फ्लाइट आज 12 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। साथ ही सुबह 8 बजे हज हाउस में से बस के जरिए हज यात्रियों को रवाना किया गया। वही पिछले साल COVID-19 वजह से कम लोगों ने ही हज यात्रा की थी, इस बार बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। हज यात्रियों के लिए सभी इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। वही शुक्रवार को लखनऊ जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने हज हाउस पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके अलावा हज यात्रियों के रोकने के लिए कई तरह की व्यवस्था भी की गई है। तो आपको बता दे हज यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। वही इस हज यात्रा में कई लोग हजारों लोग
आपको बता दें कि इस हज यात्रा में हजारों लोग जो है जो इस हज यात्रा में जा रहे हैं, आपको बता दें। मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, इस हज यात्रा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए ईशा जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हज जो है वो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा का जो आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन है, और इसको लेकर के इस्लाम में कहा जाता है कि हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करना चाहिए। क्योंकि हज जो है सऊदी अरब में पवित्र जो मक्का है वहाँ पर दुल्हिज्जा के महीने में किया जाता है। ये दुल्हिज्जा का जो महीना है ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 12वां महीना होता है। इस मौके पर सभी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो ज़्यादातर लोग हज के लिए शामिल होते हैं, और इसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। फिर वो तो चाहे दूर दराज से भी लोग आते हैं और वहाँ पर जाके उमरा, उसके बाद फिर उमरा किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से ये हज की जो तैयारियाँ की गई हैं, आज इसका पहला जत्था भी राजधानी लखनऊ से रवाना कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से हज यात्रा को लेकर के ये आज पहला जत्था रवाना किया गया है, उसमें आज जिस तरीके जत्था रवाना किया था वहाँ पर मोहसिन रजा की बात की जाए या फिर दानिश आजाद की बात की जाए या फिर जो कई धर्मगुरु हैं वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद थे, और लोगों को जो है एक गुलाब दे करके लोगों को रवाना किया गया था। और उनसे दुआओं के लिए भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से दुआओं का कहा जाता है कि इस महीने में जो दुआएं वहां पे मांगी जाती हैं वो पूरी तरीके से कबूल होती है। और इसमें इस्लामिक तौर पे अगर माना जाए तो कहा जाता है कि जब हज पे कोई शख्स पहुंचता है तो एक पूरी तरीके से एक बच्चे के रूप में, समझिए वहां पर से जब लौटता है तो एक बच्चे के रूप में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब हज की जो पहला जत्था गया है तो इसको लेकर के लोगों में भी एक काफ़ी खुशी की लहर है, और इसके बाद जो दूसरा भी जत्था पहुंचेगा उसकी भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और लगातार इस मामले को लेकर के जहां पर हज यात्री रुके हुए थे उसका भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा था। DM खुद मौके पर पहुँच कर पूरी जानकारी ले रहे थे, और इसके साथ जिस तरीके से आज सुबह ये पहला जत्था रवाना किया गया है तो इस दौरान मंत्रियों समेत कई धर्मगुरु भी मौके पर मौजूद थे, और उस सभी को वहां पर जाने की एक जो तरतीब है या जो किस तरीके से हज किया जाता है पूरा तरीका भी समझाया जा रहा था। जी, तो कलीम, जो लखनऊ से करीब 13,000 हज यात्री जा रहे हैं, तो लखनऊ वासियों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं हज यात्रा को लेकर? देखिए हज यात्रा में खास इंतजाम यही होता है कि आदमी जब यहाँ से जाता है तो किस तरीके से वहाँ रुकता है, कैसे गाइडर जो गाइड वहाँ पे किया जाता है वो गाइडर कौन होगा, और किस तरीके से पूरे इंतजाम होते हैं। क्योंकि हज में जो कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिना सिला हुआ लिबास पहना जाता है, इन सभीों का जो इंतजाम किया जाता है, इन सभी इंतजामों की बाकायदा पूरी जानकारी दी जाती है। क्योंकि जो सफ़ेद लिबास होता है वो बिना सिला हुआ होता है, और जो महिलाएं होती हैं वो भी अपने मनपसंद का सफ़ेद लिबास पहनती हैं जो हज के दौरान पहना जाता है। इस इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है सारी जानकारियां दी जा रही थी, और जानकारियां देने के साथ साथ जिस तरीके से धर्मगुरु मौके पर मौजूद थे, धर्मगुरुओं के द्वारा पूरी जानकारी दी गई, उसको लेकर के जो अपील किया गया कि इन सभी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो हज है तो हज को एक पवित्र मन से किया जाए, जिससे कि जो हज है वो आपका कबूल हो। क्योंकि उसके बाद जब इंसान आता है तो एक हाजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हज जो है इस्लामिक जो इस्लाम के को कबूल किए हुए इस्लामिक जो धर्म है उसमें हज एक बड़ा आयोजन भी है। क्योंकि हज रमजान महीने के बाद ही इसका जो ईद होती है, ईद के बाद जो बकरीद है उसी दौरान ये पूरा जो है हज का जो सफ़र है वो पूरा तय किया जाता है। जी, तो कलीम, कोविड के चलते पिछली बार ये हज यात्रा है उसे रोक दिया गया था, वही अब क्या कुछ प्रोटोकॉल है कोविड के जो इसको लेकर अब जो है निर्देशित किए गए हैं? देखिए जिस तरीके से पिछले साल की आप बात कर रही हैं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई थी, और जो भी विदेशी यात्राएं थी सभी को रद्द कर दिया गया था। इसके कारण जो है जो हज यात्री थे वो उस बार नहीं जा पाए थे, जिसको लिए काफ़ी उन लोगों के अंदर निराशा भी थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो फ्लाइटें चालू हो गई हैं, हज के जो सऊदी अरब की तरफ से भी परमिशन दे दी गई कि जो हाजी हैं वो आ सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के जो एक खुशी की लहर है। इसके साथ ही जो कोविड की आप बात कर रही हैं, तो कोविड को लेकर के लगातार जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, दूरियां बना रखना, क्योंकि इन सभीों का इस्तेमाल करते हुए जो बताया जा रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर। लेकिन जो एक बड़ी बात की जाए WHO की तरफ से, तो उन्होंने भी अब कोविड को लेकर के एक बड़ी राहत की जो खबर दी है कि ये इसका अब इलाज संभव है, क्योंकि अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब कोविड को लेकर के तो उसमें भी जो राहत है, और जो हज यात्री भी जा रहे हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है कि किसी तरह की कोई उनको परेशानी नहीं है। और लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो पूरा प्रोटोकॉल भी वो लोग
करेंगे, उस प्रोटोकॉल के आधार पर ही पूरी हज यात्रा का सफर करेंगे और हज करके वापस भी लौटेंगे। जी जी कलीम, जैसा आपने कहा कि हज यात्रा को लेकर अब लोगों में खुशी दिख रही है, वही अब हज यात्रा को लेकर लोग अब खुश दिख रहे हैं। धन्यवाद कलीम इस खबर पर जुड़ने के लिए। वही आरबीआई 2000 का नोट चलन से बाहर कर चुकी है, जहां ये खबर लगते ही गुजरात में ज्वेलर्स ने 2000 के नोट से सोना खरीदने वालों के लिए रेट बढ़ा दिए हैं और वे 10 ग्राम की कीमत 70,000 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि शनिवार को राज्य में इसका रेट 60,275 रुपए है। साथ ही बाजार के जानकारों ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि शुक्रवार को यहां 10 ग्राम सोना खरीदने पर 5,000 से 10,000 रुपए अधिक लिए गए, यानी प्रति 10 ग्राम सोना 70,000 रुपए से में बिका, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 80,000 रुपए किलो हो गई है। तो आपको बता दें 2000 के नोटों के बंद होने के बाद से अब कह सकते हैं कि इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें 10 ग्राम के व्यापारी अब वसूल रहे 70,000 रुपए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, क्या कुछ वजह है अब जो ज्वेलर्स है अब वे अपनी इसकी रेट बढ़ा चुके हैं, अपने जो सोने को लेकर अपना रेट बढ़ा चुके हैं, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? सोना का रेट जो है लगातार बढ़ चुका है, और क्योंकि अगर बात की मार्केट सराफा की तो 2000 के नोट को लेकर के आदमी सोने में पैसा इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से कर रहा है। आइए आपको बता चले जिस तरीके से हमारे जो दुकानदार यहाँ पे है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो सोने का रेट है, क्योंकि चौक सराफा कॉन्ट्रेशन के जो है वो बता रहे थे किस तरीके से रोज जो रेट का रेट जो है वो पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? आकाश जी, किस तरीके से लेकर के अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से तो जो सोने का रेट इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं 2000 के नोट को लेकर के, इस चौक सराफा एसोसिएशन जो है उसको लेकर कई बात की है तो रेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए रेट बराबर ऊपर नीचे हो रहे थे, इधर करीब 10 दिनों से बराबर रेट बढ़ रहे हैं, और जब से 2000 के नोट ये बंद हुए तब से बहुत तेजी से मार्केट में सोने के रेट बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, और कल 1200 रुपए 10 ग्राम में रेट एक नंबर में बढ़ा। खबर ये भी लगी है कि 68,700 रुपए का भाव जो 2000 रुपए के नोट लेगा देगा मतलब जो कस्टमर उससे 68,700 रुपए कुछ ज्वेलर्स वाले वसूल रहे हैं, जो की गलत। अगर बात की जाए इस तरीके से जो सोने का रेट है वो लगा 2000 के नोट को लेकर, जैसे आपके पास कस्टमर कोई अगर आ रहा है 2000 का नोट दे रहा है तो क्या आप उसको जो सोने का मूल्य है उसमें एक्स्ट्रा रेट तो भेज रहे हैं क्या? नहीं, देखिए हमारे पास जो भी कस्टमर आएगा उससे हम 2000 रुपए के नोट स्वीकार करेंगे, क्योंकि अभी तक की वो करेंसी चल रही थी, सरकार ने बंद करी है, 30 सितंबर को बंद होगा, और उसको हम अपने अकाउंट में जमा करेंगे। हमारा पूरा काम एक नंबर में, जीएसटी का बिल काटते हैं, हमें किसी प्रकार का डर नहीं। नहीं, अगर कोई बात की जाए सराफा एसोसिएशन की तो तो लोग बता रहे हैं कि दुकानें ऐसी दुकानें हैं जिसमें जो अगर तो कस्टमर 2000 का नोट ले जाता है उसको रेट अलग दिया जाएगा, और जो रेट है वो वर्तमान समय का रेट दूसरा है, उस पर आपको क्या करना है कस्टमर के प्रति किस तरीके रुझान आ रहा है 2000 के नोट को लेकर के? देखिए जिनके पास ब्लैक में पैसा है वो तो कोशिश करेंगे कि जिनके पास अकाउंट में जमा नहीं करता ज्यादा 2000 रुपए के नोट है कि हम सोने में इन्वेस्टमेंट करके उसका लाभ प्राप्त कर सकें, पर हम लोग इस प्रकार कोई भी काम नहीं कर रहे हैं कि जो कस्टमर के साथ गलत। पिछली बार देखा जाए अगर बात की जाए तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उस पर सोना जो 30,000 से 50,000 पहुंच गया था, अगर अब की बात की जाए तो 2000 का नोट जो डंप हुआ जो जिसको करेंसी को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है कि करेंसी जमा होगी, उसके बाद देखा जाए सोने के जो रेट है वो लगातार बढ़ते जाएंगे, क्या कालाबाजारी होगी सोने की? क्या कालाबाजारी अभी तक तो बहुत तेजी से हो रही थी, तो सोना विदेशों से स्मगलिंग हो गया था, उस सोने पर सरकार ने बहुत ज्यादा रोक लगाई है, इसी प्रकार से सोना एक नंबर में बिक रहा। सरकार ने SUID हॉलमार्क के लिए व्यवस्था चालू करी 1 अप्रैल 2023 से, जिससे कि हॉलमार्क वाला सोना जो है वो पक्के पर ही मिलेगा, पक्के बिल पे लोगे तो उससे कालाबाजारी बंद होगी और सोने की 2 नंबर की खपत भी।
अगर बात की जाए तो सोने के जो बड़े व्यापारी है वो पूरी तरीके से जो रेट की बात अगर की जाए तो वर्तमान समय में जो रेट है वो कुछ रेट कस्टमर का जो है देखा जाए तो 2000 का अगर नोट की बात करें तो कस्टमर को रेट दूसरा दिया जा रहा है और जो कस्टमर ऐसे आ रहा है उसको नंबर जो है वो रेट दूसरा दिया जा रहा है। ईशा तो उपेंद्र जहाँ जो सोना है वो महंगा हो चुका है उसके बावजूद जो लोग हैं अपने 2000 के नोट को खपाने के लिए कहीं ना कहीं सोना खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी ज्वेलर्स की दुकान पर भीड़ दिख रही है। जी हाँ ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अगर बात की जाए तो अभी अगर रेशियो बताना जाए तो 10 दुकानों में लगभग 8 दुकानें ज्वेलर्स की दुकानें ऐसी हैं जिसमें जो कस्टमर अब लगातार बैठा हुआ है और सोने का इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कस्टमर 2000 का नोट दे रहा है और जो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो पूरी तरीके से जो है कस्टमर को जो कैश वो बिल काट रहे हैं और 2000 रुपये का जो नोट है वो सिक्योरिटी मतलब पूरी तरीके से ले रहे हैं। और अगर बात की जाए तो सराफा सुशन के जो कानपुर है उसने पूरी तरीके से ये जारी कर रखा है कि जो नंबर एक जो जो हार रहा है उसको नंबर एक बिल देने जो रेट पे है और जो नंबर दो पे सोना ले रहा है उसका रेट 68,000 के पार पहुँच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद उपेंद्र। तो आपको बता दें नोटबंदी के बाद सोना भी महंगा हो गया लेकिन उसके बावजूद अपने 2000 के नोट को कहीं ना कहीं खपाने के लिए लोग अभी भी ज्वेलर्स की दुकान पे भीड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लोग अभी भी सोना खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें वहीं ज्वेलर्स की दुकान पर अभी भी भीड़ नजर आ रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष वहां क्या कुछ लोगों का रुख है लेकर जो है सोने की दुकान पर जो है कोई असर तो नहीं है ना ही यहाँ पे बहुत ज्यादा खास देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी हम दुकान पे आए हुए हैं यहाँ पे चर्चा करते हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे और आपके इसकी इसके बारे में राय भी देखिए आपको सुनाएंगे क्या यहाँ लोगों को कहना हो रहा है। दो हजार नोट को लेकर के सराफा मंडी में सुल्तानपुर में ऐसा कोई चलन नहीं है कि उसके बगैर काम रुक रहा है और 2000 के नोट से हमारे यहाँ कोई लेन देन नहीं हो रहा है ना ही कोई अभी तक आया है। अगर गुजरात की बात की जाए 2000 नोट से लेकर जो है सोना की खरीदारी रेट बढ़ गया है ऐसा कुछ गड़बड़ गुजरात को लेकर के बात ये आई है सुनने में कि 70,000 से 75,000 रुपए 10 ग्राम के रेट से जो है 2000 का नोट जो लेके आएगा उसे गोल्ड मिलेगा लेकिन यहाँ कोई ऐसा चलन नहीं है ना हम लोग गोल्ड दे रहे हैं ना ले रहे हैं 2000 का नोट ना हम लोग ले रहे हैं ना दे रहे हैं बाजार में। सरकार द्वारा जो अभी हाल में फैसला लिया गया है 2000 नोट को लेकर सुल्तानपुर में क्या देखने को मिल रहा है आपकी? सुल्तानपुर में 2000 का नोट पहली बात तो देखने को नहीं मिल रहा है, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं कोई 2000 का नोट लाता ही नहीं है फिलहाल और इससे कोई 2000 के नोट से फर्क भी नहीं पड़ रहा है ना कोई नोट ला ही रहा है ना हम लोग ले ही रहे हैं ना दे ही रहे हैं दोनों चीज भी नहीं हो रहा है। जैसे पहले जो शुरू शुरू में जब आया था जी कुछ दुकानदारों की दिक्कत था जी अब इधर बिल्कुल ना बराबर नोट बिल्कुल 2000 के नोट आ ही नहीं रहे बाजार में, मीडियम क्लास आदमी के पास 2000 की नोट आती नहीं है, अगर 2000 की नोट किसी के पास आती भी है तो उसका फुटकर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2000 की नोट बाजार में बिल्कुल ही गायब हो गई है और इसका कोई बाजार में कोई इसका फर्क भी नहीं है, 2000 की नोट बंद ही हो गई इसका कोई फर्क नहीं है, कोई नोट दिख ही नहीं रही है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं 30 सितंबर का जो है इंतजार कर रहा है, 30 सितंबर बाद क्या कुछ नया चीज इसमें देखने को मिल सकता है? अब ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार की मंशा है वो क्या करती है क्या नहीं करती इसके बारे में हम लोग क्या बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल आपको बता रहे हैं जिस तरह यहाँ का एक रुझान जो मिला है ये 2000 की नोट तो सबसे पहले बता दें आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा नेता के पास या अधिकारी के पास बड़े स्तर के पास होगा, बाकी छोटे आम आदमी आम जनमानस के पास तो बिल्कुल ना के बराबर ही होगा। जी तो आशुतोष जैसा कि इन्होंने कहा 2000 के नोट बंद होने पर कहीं ना कहीं लोगों पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पहले ही बाजार में जो 2000 के नोट थे वो आने कहीं ना कहीं रुक गए थे, कहीं ना कहीं बंद हो गए थे जिसकी वजह से अभी तक लोगों पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल आपको बता रही है आपका कहना सही है, सुल्तानपुर में 2000 की नोट को लेकर बहुत ज्यादा खास तो बिल्कुल नहीं देखने मिला है और देखने मिला है बहुत एक आध दो लोग के पास भले जैसे बड़े लोग के स्तर पे जो होंगे उनके पास देखने मिला होगा, बाकी छोटे स्तर या दुकानदारों के पास अभी ऐसा कुछ नहीं आया, अगर आता भी है 90% आजकल जो है फोन पे और चेक के माध्यम से जो है लोग खरीदारी कर ले रहे हैं, बड़ी नोटों को लेकर बहुत कम चलना जो है पसंद कर रहे हैं और ना लेकर चलते हैं उतना। जी बिल्कुल इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आशुतोष। तो आपको बता दें 10 ग्राम के कहीं ना कहीं जो
2000 के नोट है उसके बंद होने पर लोगों पर कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बाजार में 2000 के जो नोट थे वो पहले ही आने कहीं ना कहीं बंद हो गए थे। आपको बता दें नोटबंदी के बाद जहां सोना महंगा हो गया है लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ज्वेलर्स की दुकान पर अभी भी लोगों की भीड़ दिख रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिशान जुड़ चुके हैं। तो जिशान, क्या कुछ रुख है वहां पे ज्वेलर्स का? देखिए ईशा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब से जो 2000 का नोट आरबीआई के द्वारा बंद किया गया है तब से अगर हम सोने की बात करें तो सोने के भाव में भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगरा में कुछ दुकानदार हैं जो सोने के भाव को बढ़ा दिया गया है 2000 के नोट को, जो अगर 2000 के नोट से सोना खरीदते हैं तो उसका रेट तकरीबन 70,000 रुपए तक कर दिया गया है। हालांकि अगर जेन्युइन रेट की बात करें हम तो 62,000 रुपए सोना है आगरा में। आप साफ तौर से देख सकते हैं ये आगरा का सबसे बड़ा फुहारा बाजार है, यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकानें हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बाजार दोपहर 2 बजे के बाद पूरी तरीके से खुलता है और आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार भी है, आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं सोने के भाव को लेकर 2000 के नोट की अगर बात करें तो 2000 के नोट का क्या भाव है और जो पहले जो नोट चल रहे हैं 500 के तो उनका क्या भाव है, क्या अंतर है इन दोनों में, हम जान लेते हैं दुकानदार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गर्ग है। सोने का भाव क्या है? सोने का भाव प्रेजेंट में जो नॉर्मल रेट है वो 62,500 रुपए का रेट है और कुछ लोग बाजार में बदनाम भी कर रहे हैं, जो घबराए हुए व्यक्ति आ रहा है और वो उसको कुछ ऊंचा भाव बता के प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। अगर हम 2000 के नोट की बात करें तो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं क्या ऐसे कि 2000 के नोट लेकर भाव बढ़ा हुआ भी हो तो सोना लेकर जा रहे हो? नहीं, बढ़ा हुआ हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है लेकिन जो गोल्ड है गोल्ड सेल अच्छी खासी क्वांटिटी में हो रहा है लेकिन 2000 के रेटों में कुछ दुकानदार ऊंचे रेटों में बेच रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। आपके पास ऐसे कुछ कस्टमर आए? हमारे पास घबराते हुए आए तो हमने मना कर दिया, भैया हमें 2000 का नोट जमा कर सकते हैं लेकिन वही रेट होगा जो रेट प्रेजेंट में है। ये हमारे साथ दुकानदार हैं जो फौरा के दुकानदार हैं, ज्वेलर्स हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जो पुराना रेट है सोने का जो रेट होता है उसी रेट से 2000 के नोटों से भी सोना हम सेल कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ कस्टमर भी हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गर्वित महेश्वरी। आप कस्टमर है यहाँ पर आए हैं, क्या आपको माहौल लग रहा है बाजार में, आप घूमे हैं क्या, कुछ दुकानदारों में कुछ अंतर है 2000 के नोटों को लेकर? नहीं नहीं, मैं तो भैया के पास आया हूँ, उन्होंने तो मुझे वही रेट पर दिया है जो रेट चल रहा है मार्केट। आप यहाँ पर आए इसके अलावा भी अदर दुकानदार? नहीं नहीं, हाँ मैं बाजार में सुबह से घूम रहा हूँ, ऐसा मुझे तो कोई अभी खास मेरे को तो हाँ दुकानदारों सुना जा रहा है कि लोगों बता रहे हैं कि कुछ जगह जो है कि इस तरह की धांधलेबाजी चल रही है लेकिन अभी तक मैंने तो महसूस नहीं करी साहब। देखा आपने ये यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके यहाँ कस्टमर बैठे हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की धांधलेबाजी तो चल रही है, लोग 70,000 रुपए तोला भी सोना बेच रहे हैं और जो दुकानदार जो जिन्होंने बताया साफ तौर से कि ये वही पुरानी रेट में सोना बेच रहे हैं पुराने नोटों से, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगरा में भी कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों के द्वारा धांधलेबाजी भी चल रही है। जी जी बिल्कुल आशुतोष, माफ कीजिएगा जिशान, धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें नोटबंदी के बाद से सोना महंगा हो गया है लेकिन ग्राहकों पर इस पर का कोई खास असर नहीं पड़ा है। वहीं ज्वेलर्स की दुकान पर अभी भी लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं कहीं ना कहीं कहना है कि अपने 2000 के नोटों को खपाने के लिए लोग अभी भी ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर सोना खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें सोना महंगा होने के बावजूद ग्राहक अभी भी सोना खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें भारत में 2000 का नोट बंद होने के बाद भी। तो अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से राजन सोनकर जुड़ चुके हैं। तो राजन, वहां क्या कुछ कहना है ज्वेलर्स का?
देखिए बिल्कुल ज्वेलर्स का यही कहना है कि जब से 2000 नोट के बंद को लेकर आरबीआई का फैसला है उसके बाद में कई ग्राहकों की जो है संख्या वो तेजी से बढ़ गई है जी। वहीं बैंकों की बात करूं तो बैंकों में भी लोग नोट बदलने के लिए अभी से जो है बैंकों में जाना शुरू कर दिया, जबकि 23 मई से ये नियम लागू होना था। लेकिन बावजूद इसके जैसी ये खबर फैली है कि आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया है कि 2000 के नोट को पूरे तरीके से वापस लेने का फैसला है और जिसकी तिथि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक की रखी गई है, लेकिन लोगों के अंदर अभी से ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो भी उनके पास जमा पूंजी है 2000 के नोट है उसे जमा करने बैंक जा रहे हैं या फिर उनसे जो है आभूषण की खरीदारी कर रहे हैं। मैं सोनारों से जब हमारी बात हुई थी, ज्वेलर्स की दुकानों से बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि और दिनों के मुकाबले इन दिनों में काफी हमारे पास दुकानदारी हो रही है, कस्टमर बहुत तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं और सभी लोग अधिकांश 2000 के नोट लेकर आ रहे हैं और वो 2000 के नोट से ही यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं जी। तो राजन, इसके नोटबंदी के बाद से ही कहीं ना कहीं धांधलेबाजी के भी खबरें सामने आ रही है हर जगह से। देखिए बिल्कुल ऐसी तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं जब कोई इस तरीके का फैसला लिया जाता है, कोई मिली जुली बात ही निकल के आती है। लेकिन अभी मेरठ की बात करूं तो मेरठ से इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। यदि कोई इस तरीके की धांधली की बात सामने आती है तो उसमें विभाग, पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, वो अपने स्तर पर कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जरूर करेगा जो लोग इस धांधलेबाजी को कर रहे होंगे और ग्राहकों को उन चूना लगाने की काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन मेरठ का बिल्कुल इस चीज को लेकर मुस्तैद है। वहीं बैंक में भी लाइन लंबी ना लगे इस चीज को लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने ये आरबीआई की तरफ से जो फैसला लिया गया है 2000 के नोट की बंदी का, इसको लेकर पर्याप्त जो है सरकार की तरफ से बैंक में निर्देश होने चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में लाइन ना भीड़ इकट्ठी ना हो और 2000 के नोट जमा करने की जो सुविधा है वो ग्राहकों को आसानी से मिल सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक लोगों में यही देखा जा रहा है कि 2000 के नोट लेकर बैंक में जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, वहां उन्हें वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उनके मन में वही नवंबर वाला हिसाब है जो 2016 में जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नोटबंदी का ऐलान किया था उसको लेकर। इसी तरीके का उनके दिमाग में ये बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2000 के नोट बंद को लेकर हम जल्दी से जमा कर दें, कभी हम देर हो जाए हमसे तो कहीं ऐसा ना हो ये जो हमारे पास जमा पूंजी है ये वेस्ट हो जाए और इसे कहीं हमें पहले की तरह बहाना पड़ जाए। तो फिलहाल देखा जाए तो मेरठ में बैंकों में और ज्वेलर्स की दुकानों पर काफी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं वो तो है जी। बिल्कुल राजन, तो कहीं ना कहीं ज्वेलर्स की दुकान पर भीड़ देखने को मिल रही है, साथ ही नोटबंदी के बाद अब नोट जमा करने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं इंतजाम भी करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद राजन। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।